नमस्कार दोस्तों, फीके एंटरप्राइज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बताना चाहूँगा कि दोस्तों न्यू टीपी यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कैसे किया जाता है। और दोस्तों सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करते हैं। जिन भाइयों के पास CSE पोर्टल है वो डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेंगे, अदरवाइज़ जिनके पास जो भी इंश्योरेंस पोर्टल है उस पोर्टल से सेम प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा अंतर रहेगा। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले जिस कंपनी से करना है हम उस कंपनी को सर्च कर लेते हैं, और सर्च करने के बाद आप यहाँ से जो भी मोटर थर्ड पार्टी जो भी इंश्योरेंस करेंगे जनरल इंश्योरेंस में जाएंगे। जनरल इंश्योरेंस में जाने के बाद CSE ID को लॉगिन करेंगे। यहाँ पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। दोस्तों यहाँ साइन इन करने के बाद यहाँ हम प्रोडक्ट में जाएंगे। प्रोडक्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं टू व्हीलर इंश्योरेंस TP यानी कि थर्ड पार्टी, यहाँ से वाई करना होगा। वाई करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, और कॉरपोरेट है तो कॉरपोरेट कॉरपोरेशन कॉमर्शियल के लिए आता है। तो लैप्स पॉलिसी हो चुकी है तो लैप्स पॉलिसी करेंगे। अभी अगर पॉलिसी चार्ज हो तो रोल ओवर होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ से इसे फैच डिटेल करेंगे। फैच डिटेल करने के बाद दोस्तों ये नंबर चेक कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर सही है क्या नहीं, और यहाँ से देन कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि डेट अगर सही है, फर्स्ट पर्चे रजिस्ट्रेशन डेट RCD ऊपर लिखा होता है तो ये सही है, तो यही रहने देंगे, अदरवाइज चेंज करेंगे। और इसके बाद मतलब UP है ही है, और इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों अगर PA पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लेना है जिसका 375 रुपये अतिरिक्त जाता है, जो कि 15 लाख रुपये सम एश्योर्ड होता है एक्सीडेंटल, अगर कोई दुर्घटना होती है तो 375 इसका होता है। नहीं चाहिए तो इसे हम यहाँ से चेक बॉक्स से इसे हटा देंगे और फीस को भी कैलकुलेट करेंगे। फी कैलकुलेट करने के बाद आप देख रहे हैं ये प्रीमियम जो आ रहा है वो टोटल प्रीमियम इतना आएगा, और देन कंटिन्यू करेंगे। देन कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दे रखा है, यहाँ प्लीज़ एंटर द लास्ट 5 डिजिट चेसिस नंबर। तो चेसिस नंबर RC में दिए होते हैं उसके जो है लास्ट के चार नंबर डालेंगे, पांच नंबर डालने के बाद देन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो इसकी चेसिस नंबर इंजन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हो जाएंगे। अगर ये सही हैं तो आप इसके बाद ये PUC टिक यस ही रहेगा, देन कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और यहाँ जो भी RC पे नेम है नाम डालेंगे दोस्तों, और ये नाम डालने के बाद में दोस्तों यहाँ से नाम डालेंगे, यहाँ नाम डालते हैं। नाम डालने के बाद दोस्तों अभी आगे की प्रोसेस करेंगे। और दीपक चंद शर्मा हो गया, यहाँ से मेल फीमेल जो भी हैं वो डालेंगे, इनकी जो भी DOB डालेंगे दोस्तों वो DOB डालेंगे। और DOB डालने के बाद दोस्तों यहाँ ईमेल ID जो भी अगर रजिस्टर्ड है वो डालेंगे, अदरवाइज़ अपनी भी डाल सकते हैं। और ईमेल ID डालने के बाद दोस्तों मोबाइल नंबर डालेंगे कैंडिडेट का, ये डालने के बाद दोस्तों यहाँ जो एड्रेस दिया हुआ है एड्रेस डालेंगे। दोस्तों जो भी एड्रेस है वो एड्रेस डालेंगे, और ये डालने के बाद यहाँ पिन कोड डालेंगे, जो भी पिन कोड होगा। पिन कोड जैसा अगर नहीं पता है तो वो हम सर्च भी कर सकते हैं।
जहाँ का भी आपको पिन कोड चाहिए। और यहाँ दोस्तों पिन कोड डालते हैं, यहाँ डालने के बाद सेलेक्ट एरिया जो भी आपका एरिया होगा वो हम यहाँ से एरिया डालेंगे। एरिया डालने के बाद दोस्तों स्टेट आपको दे रखा है, पैन कार्ड नंबर अगर अवेलेबल है तो वो डालेंगे, अदरवाइज रहने देंगे दोस्तों। ये सारी चीज़ करने के बाद दोस्तों जॉइन नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि सारी चीज़ आपकी आ चुकी हैं। अगर यहाँ से व्हीकल डिटेल देखना है तो व्हीकल डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, मेंबर डिटेल्स यहाँ से देख लेंगे, अदरवाइज इससे करते हैं। और यहाँ से हमें पेमेंट गेटवे CSC के थ्रू करना होगा, यहाँ से मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों, और देन यहाँ से जो है हम पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपकी CSC ID का पासवर्ड है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ से वेरीफाई करेंगे, देन वॉलेट पिन डालेंगे। वॉलेट पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ से ओके करेंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा, इसे नो थैंक्स अपडेट पासवर्ड ना करें और पॉलिसी जनरेट होने दें। दोस्तों देख रहे हैं कि आप यहाँ पॉलिसी नंबर जनरेट हो चुका है। पॉलिसी जनरेट होने के बाद अब यहाँ से हम पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जहाँ भी आपको सेव करना है एज यू वांट तो हम यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप देख रहे हैं कि पॉलिसी डाउनलोड हो चुकी है, सेव हो चुकी है। और इस तरह से हम जो है किसी भी टू व्हीलर का थर्ड पार्टी बीमा कर सकते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं इसकी जो इंश्योरेंस डेट जो है 19/12/2020 से लेके 18/12/2021 तक हो चुकी है, और ये सारी एजेंट नेम ये दे रखा है, बाकी सारी डिटेल्स कैंडिडेट की ये आ गई हैं। इस तरह से दोस्तों कोई भी गाड़ी का बीमा करना है और TP का हम इसी तरह से इंश्योरेंस करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो वाकई अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो लेने के लिए आप तक आसानी से पहुँचा सकें तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉच।